नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आज हमारे बीच एक ऐसे खास मेहमान जुड़ने वाले हैं, आजाद सनातन सेना के संस्थापक हैं संदीप पांडे जी हैं। सबसे पहले संदीप पांडे जी का बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं हमारे चैनल में। पांडे जी, आपका जो यहाँ पे जो है संस्थापक हैं आप, जो है किस तरह से जो है आप जो है बढ़ा रहे हैं और लोगों को जोड़ रहे हैं, सनातन धर्म को आगे ले जा रहे हैं, क्या उद्देश्य है आपका? सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूंगा और प्रणाम करना चाहूंगा आपके समस्त दर्शकों को, जिनके माध्यम आपके माध्यम से जो ये चैनल देख रहे हैं, देखने वाले हैं, सबको मैं प्रणाम कर रहा हूं। और साथ ही साथ मैं बताना चाहूंगा आपको, आजाद सनातन सेना का गठन हम सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए किए हैं। और रही बात जोड़ने की, तो लोगों के बीच हम जाके घर घर जाके प्रभु श्री राम की छाया प्रति और साथ ही साथ अपने उद्देश्य को पहुंचा रहे हैं, उनको अपने संगठन के उद्देश्य को बता रहे हैं कि वैदिक सनातन अखंड भारत का के परिकल्पना स्वरूप इस संगठन का गठन किया गया है। आजाद सनातन सेना आगामी 10 मार्च को एक ऐसा कार्यक्रम करवा रही है आपके जनपद जौनपुर में। कौन सा कार्यक्रम है, हमारे दर्शकों को बताने का प्रयास करें। जरूर, यह 10 मार्च को जो कार्यक्रम होने वाला है, यह सनातन समागम का कार्यक्रम होगा और इसमें 551 श्री रामचरित मानस का वितरण के साथ साथ 51 ऐसी विभूतियों को सनातन रत्न, सनातन श्री और सनातन गौरव से सम्मानित किया जाएगा, जो कि समाज के लिए, सनातन के लिए और देश के लिए कुछ किए हैं कार्य जी कोई कार्य किए हैं। और इस कार्यक्रम में मूल रूप से भारतवर्ष के 50 से ज्यादा संत महात्मा और अपने देश को आजाद कराने के लिए जैसे पंडित चंद्रशेखर आजाद जी, मंगल पांडे जी, इनके वंशज भी आ रहे हैं, ऐसे क्रांतिकारियों के वंशज भी यहाँ पधार रहे हैं। तो हम आपसे ये जानने का प्रयास करेंगे, इसमें जो है जो आपका यह संस्था है इसमें बहुत से सारे लोग जुड़ रहे हैं, जो नए लोग जुड़ रहे हैं उनको क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश दे रहे हैं, राम मंदिर को लेकर क्या कहेंगे? राम मंदिर जो है पूरा अयोध्या में भगवामय हो गया, राम प्रभु श्री राम जिस तरह से आए थे, प्रभु श्री राम राम वनवास में थे, उसके बाद जो है प्रभु श्री राम जो है जगमग सिर्फ अयोध्या ही नहीं पूरे जो है विश्व में जाना जा रहा है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहूंगा और बताना भी चाहूंगा कि राम मंदिर को लेकर हमारे अयोध्या ही नहीं पूरे विश्व के जितने भी सनातनी हिंदू हैं सारे लोग सभी लोग एक उत्साहित थे। और क्योंकि कई सालों, कई सौ वर्षों के बाद राम मंदिर का निर्माण हुआ, लाखों करोड़ों लोगों ने अपना बलिदान भी राम मंदिर के लिए दिया, यह तो हमारे लिए गौरव का विषय है, ये गौरवशाली जो है इतिहास हमारे लिए है। और अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के बाद यह भी हमें गौरव प्राप्त हुआ कि हम 2 से 3 बार जाके दर्शन भी किए प्रभु रामलला के। जी जी, सनातन धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। आप देख सकते हैं हमारे बीच जिस तरह से आजाद सनातन सेना के संस्थापक हैं संदीप पांडे जी, जोगी जी, जिस तरह से इन्होंने बताया है कि प्रभु श्री राम अयोध्या में आए हैं और पूरे देश में जिस तरह से भगवान श्री राम की अर्चना उचना सब कर रहे थे, पूजा पाठ भी किए, तो कहीं ना कहीं से एक सनातन धर्म को आगे बढ़ावा दिया जा रहा है और सनातन धर्म को मजबूत करने में इनकी संस्था जो है अपने आप में एक मिसाल साबित कर रही है। जी जरूर। तो हमारे जितने दर्शक आपको देख रहे हैं कि भैया से जुड़िए और ज्यादा से ज्यादा लोग इनको सपोर्ट करिए ताकि एक मजबूती के साथ और अपने आप को एक टीम बना सके और आम लोगों की, गरीबों की, मसीहा भी है, गरीबों की सहायता करते हैं और एक तमाम जो है कार्यक्रमों में हिस्सा भी लेते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट भी करते हैं। बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं सर। धन्यवाद। आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए, हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं।